हेलो। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त किस्म के फ़ोटो मैनिपुलेशन करने वाले हैं, वो एक मॉस्क की इमेज पर, यानी कि मॉस्क फ़ोटो मैनिपुलेशन। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट ले लेंगे, जैसे ही हमने न्यू लेने लें, ठीक है। हमने उसी लेयर को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे प्रेस करना है हमने कीबोर्ड से, तो उसकी डुप्लीकेट हमें मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली लेयर को हम हाइड कर देते हैं और हम ऊपर वाली लेयर पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम मास्क क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मास्क क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने ब्रश टूल लेनी है। ब्रश हमेशा आप लोगों ने याद रखना कि हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना, सॉफ्ट ब्रश, ओके। ये हमने सॉफ्ट ब्रश ले लिया, साइज़ इसका कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका साइज़, तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके जो कलर्स हैं वो फ्रंट पे ब्लैक कलर हो और बैकग्राउंड पे वाइट कलर ही हो, ये जो कलर्स हैं, ठीक है। ये देखो, फ्रंट पे ब्लैक होगा तो ये रिमूव करेगा और फ्रंट पे वाइट होगा तो ये वर्क नहीं कर रहा। लेकिन फ्रंट पे वाइट करने का क्या फ़ायदा होता है, ये देखें। अगर हमसे कहीं पे मिस्टेक हो गया तो हम उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रेज कर रहा हूँ, ब्लैक फ्रंट पर रख के, ये देखो रेज किया। अगर ये मस्जिद मुझसे गलती से रेज होगी तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं वाइट को फ्रंट पे रख के ट्रेस कर दूँगा। तो मास्किंग का ये फ़ायदा होता है कि जब हमने मास्क किया होता है तो हम इजीली अपनी मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं। सो हम जल्दी से बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से वीडियो मैं थोड़ी सी कट कर दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जब आप लोग इस तरह रिमूव कर रहे हो तो आप एक लेयर ले लिया करें ब्लैक कलर की बैकग्राउंड पर, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो रिमूविंग हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ब्लैक कलर की लेयर पीछे ना रट ली हो तो कई जगहों से हमारी रिमूविंग ठीक नहीं होती। तो मैं यहाँ एक नई लेयर लेके उसके बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर कर लेता हूँ कंट्रोल डिलीट प्रेस करके, ओके। तो ये देखें, ये हमारी ऊपर से देखें थोड़ा थोड़ा आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये एरियाज हो गया। ब्लैक लेयर लेने का ये हमें फ़ायदा होता है। सो यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी सी कट कर दूंगा रिमूविंग वाली, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये हम बैकग्राउंड टोटली इसका रिमूव कर चुके हैं, तो ये ब्लैक लेयर को मैं अब हाइड कर देता हूँ। सो ये इमेज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसके पीछे स्काई ऐड करना है, तो मैं रेड कलर का स्काई ऐड करूँगा। हम फोटो मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा नाइट इफेक्ट देंगे रात का, ठीक है। सो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, जस्ट लाइक दैट। सो या ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बादल को नीचे करते हैं, इधर आई थिंक इधर बेस्ट रहेगा, ओके डन, ठीक हो गया। अब हम इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर हैंड्स ऐड करते हैं, जो कि हम मस्जिद के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो इमेज हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये है हैंड्स के पीएनजी, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है यहाँ पे, तो इसको हम ऐड करते हैं, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। जब आप कोई इमेज लेके आते हैं तो मेक श्योर उस रखा करें कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये है कि हम उसका साइज़ जितना मर्जी बढ़ा लें वो पिक्सलेट नहीं होती। अगर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज नहीं लेते तो वो पिक्सलेट हो जाती है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, मैं इसको आई थिंक इधर इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, हाँ। तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो ये थोड़ा सा एरिया से ख़राब है, तो बाहर निकला इस पर मास्क करके हम ब्रश से वो एरिया रिमूव कर देते हैं, ये ठीक हो गया। ऊपर वाली एक फिंगर थोड़ी सी बाहर, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट कर देते, ओके डन हो गया। अब देखें इस इमेज में जो सारे कलर्स हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं है आपस में, ठीक है। डिफरेंट कलर्स फिर हो रहे हैं, हैंड का और कलर है, मस्जिद का और बैकग्राउंड का और। तो हम इसको सेम करने के लिए सबसे पहले हम मस्जिद के जो कलर है उसको थोड़ा नाइट इफेक्ट देंगे। यहाँ से हम लेंगे कंट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो मेक श्योर कि ये हम लोग इसको लिंक करके रखें अपनी मस्जिद के साथ। जब हमने लिंक नहीं किया होता तो ये देखें ये फुल इमेज पे अप्लाई होता है, मतलब सारी लेयर्स पे जो भी नीचे। तो एक तो हम यहाँ से इसको ये देखें क्लिक करके इसको लिंक कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं
तो लेयर पे जाएं, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें तो ये एरो का निशान आ जाएगा, क्लिक करें तो ये इस लेयर का सर लिंक हो गया। अब ये देखें ये सिर्फ मस्जिद में अप्लाई हो रहा है। तो हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा लो रखते हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो देखते हैं ये कैसा इफेक्ट देता है। आई थिंक सो इतना ठीक है, बेहतर लग रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। अब फ़र्क चेक करें, ये देखें कितना फ़र्क आ गया, हो गया इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम इसके स्काई को भी उसी तरह ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इसको लिंक कर लेते हैं, ओके, और स्काई को भी थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं इसी तरह का, और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यार बैकग्राउंड पे काफ़ी शोर आ रहा है इधर, तो उसके लिए मैं माज़ करता हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, फ़र्क चेक कर सकते हैं। अब आगे हैंड्स के बारे, तो हैंड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, नीचे से जाके इस पे हम ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा येलोश सा देंगे, ये क्योंकि ज़्यादा ही वाइट है, ताकि ये उसमें मर्ज हो सके। तो ये इसको जैसे ही हम ब्लू के करीब लेकेंगे, आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा येलो इफेक्ट देगा, तो एडजस्ट कर लेते हैं इसको हम। आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है, ओके। तो ये देखें अब हमारे तीनों कलर आपस में कितने सेम टू सेम हो चुके हैं, देखें ये रहा। सो अब हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे मून एडजस्ट करेंगे, ठीक है, चमकता हुआ एक चांद, उसके भी पीएनजी ऑलरेडी मैं गूगल से लेके यहाँ पे सेव कर चुका हूँ, तो उसको लेके आते हैं इधर हम लोग। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने हैंड में, इस तरह एडजस्ट करना है ताकि ये हम इसको अपने फिंगर्स में इस तरह एडजस्ट कर सकें, ताकि ऐसा लगे ये हाथ में चांद को पकड़ा हुआ है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो इसको हम मास्क करके इसको भी एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए मास्क ले लिया हमने। तो इसको बेहतरीन मास्किंग करने के लिए पहले तो हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी कर लेते हैं हम कम, ताकि हमें मास्किंग अप्लाई करते हुए ईजीली हो सके, ठीक है। तो ब्रश टूल ले लेते हैं हम, ओके। तो इसको जूम इन करते हैं, बाकी मैं इसको आपको तरीका तो समझा दिया कि किस तरह वर्क होता है। सो मैं तेज़ी से इसका वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज़ करके तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ओके। ये देखिए इतनी अब इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर लेंगे, ताकि हमने जहाँ पे मतलब कलेक्शन होने वाली हो जाए। देखिए ओपेसिटी ज़्यादा करके जिस जगह पे मिस्टेक्स हैं वो भी हमने क्लियर करनी है। कुछ चीज़ें जो ओपेसिटी कम करके बिल्कुल भी फील नहीं होती, तो उसको बाद में एडजस्ट करना होता है अपने हिसाब से। तो ये हम इसको देख लेते हैं, और ये फिंगर के पास से हो गया, ओके डन। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा हो गया हमारा, देखें ये ओल्ड इमेज है और ये न्यू इमेज है, कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो बाद लोगों को फोटोशॉप में इमेज बनाने के बाद एक्सपोर्ट करना नहीं आती, ठीक है, जेपीजी में कैसे सेव करनी, तो हमने एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट एज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं इसमें, जेपीजी पीएनजी एसवीजी, ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं चार पाँच। इसकी साइज़ क्वालिटी हम देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल 2x में करता हूँ, 3x तक हमें मिलती है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, तो हम जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल डॉलर्स में सेव कर रहा हूँ, हम इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, ओके सेव। तो ये हमारी जेपीजी सेव हो चुकी है। तो अगर आपने इसको पीएसटी फॉर्मेट में सेव करना, तो सिंपल हमने सेव पे जाके ऑन योर कंप्यूटर करना है, ठीक है। तो हम जिस जगह पे इसको सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, तो जहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो मैनिपुलेशन की सेव करता हूँ फाइल्स, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मॉस्क फोटो मैनिपुलेशन, ओके गाइस। तो हमने यहाँ से पीएसटी फॉर्मेट, और भी फॉर्मेट होते हैं, फिलहाल हम पीएसटी में कर रहे हैं। तो सेव करते हैं, ओके। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो
तो कैसी लगी आज की वीडियो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने भाई को अपने दुआ में याद रखिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।